बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हाउ टू कनेक्ट एडसेंस विद गूगल एनालिटिक्स के स्टार्टर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इम्तियाज हुसैन। व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम अपने गूगल एनालिटिक या एडसेंस के अकाउंट को किस तरह गूगल एनालिटिक के साथ या गूगल एनालिटिक्स को जो है अपने एडसेंस के अकाउंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप में से किसी ने भी जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये मेरा चैनल है इम्तियाज हुसैन के नाम से। इस पे जो आपको जब आप यहाँ पे नीचे वीडियो देख रहे हैं तो इसमें एक रेड कलर का जो है बटन शो होगा सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करके ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जितनी भी हैं वो मिलती रहे। जैसा कि आप मेरे चैनल में देख सकते हैं कि तमाम वर्किंग अपडेट्स थी जो मैंने रिसेंटली अपडेट्स की थी। अगर आप हमसे फेसबुक पर अप्रोच आप मुझसे करना चाहते हैं तो मैं अपना फेसबुक का लिंक भी यहाँ पर दे देता हूँ वीडियो के नीचे, जो है दिया गया है टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से मेरा पेज है, आप उसे विज़िट कर सकते हैं। जैसा कि देखो मैं आपके सामने ओपन करके आपको दिखा देता हूं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से है। तो व्यूअर्स, बढ़ता हूं अपने जो है टाइटल की तरफ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आप गूगल में आएँ, यहाँ पर आके आपने लिखना है गूगल एनालिटिक। जैसा कि देखें मेरे पास ऑलरेडी ओपन है और इसमें आप अपने अकाउंट में लॉगिन, ये आप जीमेल को यूज़ करते हुए अपने अकाउंट में आपने लॉगिन हो जाना है। जैसे ही आप अपने अकाउंट में लॉगिन होंगे ये ऑटोमेटिकली, अगर आप जीमेल से लॉगिन हैं तो ऑटोमेटिकली आपको आपके जो है अकाउंट में ले जाएगा ये, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखें व्यूअर्स, ये एक डैशबोर्ड है जो आपके सामने शो होगा। ये जो है मेरा जीमेल अकाउंट है जिसके ज़रिए मैं अपने एडसेंस यूट्यूब और जीमेल और इस जैसे दूसरे तमाम जो है प्रोडक्ट्स को कंट्रोल करता हूँ। यहाँ पर देखें व्यूअर्स, अगर आपके पास ये डाटा शो नहीं हो रहा तो यहाँ एडमिन पे क्लिक करें। जैसे आप एडमिन पे क्लिक करेंगे ये देखें व्यूअर्स, ये आपको आपकी वेबसाइट जितनी भी आपकी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल जितने भी हैं जितने भी आपके इस अकाउंट के साथ कनेक्टेड हैं वो तमाम यहाँ पर शो कर देगा। और यहाँ पर ऑप्शन आएगी एडवर्ट लिंकिंग, एडसेंस लिंकिंग, एड एक्सचेंज लिंकिंग, ऑल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है एडसेंस लिंकिंग पे। जैसे ही आप इस पर व्यूज़ क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा देखें व्यूज़, और इस तरह का एक टैब आपके सामने ओपन करेगा। लिंक योर एडसेंस एंड एनालिटिक अकाउंट सो यू कैन सी हाउ वेल एडसेंस इज़ परफॉर्मिंग फॉर यू। एडसेंस इज़ ऑल अबाउट मेकिंग मनी बाय लेटिंग गूगल रन एड्स ऑन योर साइट। ये आमतौर पर ब्लॉगर्स के लिए ज़्यादा होता है जो कि ब्लॉगर्स वगैरह यूज़ करते रहते हैं व्यूज़। देखें ये आपकी पब्लिशर आई डी है, अगर आपका एडसेंस अकाउंट मेरा बना हुआ है तो ये मेरी पब्लिशर आई डी है। यहाँ पे एडसेंस पर कंटेंट पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। ये देखें व्यूअर्स, उसने कहा है कि सिलेक्ट एन एडसेंस प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी जो है ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुकी है। जीरो जो है मैं ऑल वेबसाइट डाटा, मैं चाहता हूँ कि मेरा एनालिटिक्स जो अकाउंट है ये मेरे पूरे वेबसाइट का डाटा कंट्रोल करे, तो मैं इसे यहाँ से चूज़ कर लूँगा लिंक कॉन्फ़िगरेशन से और मैं इसे अनेबल कर दूँगा। जैसे ही व्यूअर्स आप इसे अनेबल करेंगे कुछ टाइम लेगा, और ये देख सकते हैं व्यूज़ यहाँ पे आपका सक्सेस का मार्क्स आ चुका है। इट मे टेक अप टू 24 आवर्स फॉर यूर एडसेंस लिंक टू बिगिन डिस्प्लेइंग डेटा। तो ये डाटा को यहाँ पे डिस्प्ले करने में तकरीबन 24 घंटे लेगा। और यहाँ पे आप डन पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप डन पे क्लिक करेंगे ये देखेंगे पब्लिशर आई डी यहाँ पर और ये तमाम चीज़ यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। तो व्यूज़ ये तो था तरीका जिससे हम अपने गूगल एनालिटिक्स में अपनी तमाम वेबसाइट जितनी भी अगर वेबसाइट्स हैं, अगर आप अपनी वेबसाइट यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू प्रॉपर्टी कर लें और यहाँ से आप इसको तमाम ऐड कर सकते हैं। इसके बारे में व्यूअर्स मेरा नेक्स्ट ट्यूटोरियल है जो कि मैं आपको डिटेल से बता दूँगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।